नमस्कार जी, इस वीडियो में हम पाउडरी मिल्ड्यू रोग के बारे में बात करेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू रोग काफ़ी फसलों में आता है, स्पेशली धनिया में बहुत परेशान करता है हमें, और कुकुम्बर्स में भी ये आता है। इसमें आप देखेंगे कि पत्तियों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा आता है, और शुरुआती तो समय में आप देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल आपको धब्बे दिखाई देंगे, और बाद में वो पूरा पाउडर के रूप में आपकी पत्ती के ऊपर दिखाई देता है। और स्पेशली ये ठंड के टाइम में, और जब ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा नमी हो, नमी नहीं हो, कम नमी हो, लेकिन ठंड का समय है, उस समय ये ज़्यादा परेशान हमें करता है। और धनिया में खासकर जब आपके फूल से फ्लावर बनता है, उस समय ये हमें ज़्यादा परेशान करता है। तो यदि पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आपके है, तो इन जनरल किसान, ज़्यादातर किसान पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फ़र का स्प्रे करते हैं या डस्टिंग करते हैं। अब आजकल सल्फ़र कई फॉर्म में आने लग गया, तो किसान थोड़े कन्फ्यूज हैं कौन सा सल्फ़र हम यूज़ करें। देखिए, सल्फ़र 85% DP डस्टेबल पाउडर यदि आप स्प्रे करते हो, जो आप फेंकते हो या मतलब डस्टिंग करते हो, तो उसकी मात्रा 15 से 20 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से आप काम में ले सकते हो। आजकल सल्फ़र 80% में भी WP वेटेबल पाउडर फॉर्म में भी आता है, जो 2.5 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से जाता है। इसके अलावा आजकल WDG फॉर्म में भी आता है, उसकी मात्रा इससे भी थोड़ी कम जाती है, लगभग 2.5 से 2.5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से जाती है। सल्फ़र पाउडर मिल्ड में काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और जो पुराने किसान हैं वो तो सल्फ़र की मतलब स्प्रे ना करके वो तो डस्टिंग करना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और वो ठीक भी है, क्योंकि सल्फ़र, वैसे आप जानते होंगे कि सल्फ़र एक मतलब कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, लेकिन काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, स्पेशली पाउडर मिल्ड में काफ़ी अच्छा काम करता है। जब आप डस्टिंग कर देते हो, तो जिन जिन पत्तियों के ऊपर ये चला जाता है, वहाँ इस फंगस को ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। पर कई फसलों में पाउडर की जो डस्टिंग करना है वो काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए जो ये WP फॉर्म में जो घुलनशील सल्फ़र आता है, उसका आप स्प्रे भी कर सकते हो। इसके अलावा सल्फ़र के अलावा आप का जो ये जोल ग्रुप के जो फंगिसाइड हैं, जैसे हेक्साकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है या टेबुकोनाजोल है, ये तीनों इफेक्टिव हैं। इन तीनों में से कोई एक फंगिसाइड आप स्प्रे कर सकते हो, और ये बहुत एडवांस मॉलिक्यूल में जाना चाहते हो। वैसे आपका सल्फर भी इसको बहुत अच्छे से पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल कर लेता है। जोल ग्रुप के जो हेक्साकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है और टेबुकोनाजोल, ये भी कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन आप कोई एडवांस मॉलिक्यूल में जाना चाहते हो, और कई बार क्या ये सेम आप फंगिसाइड स्प्रे करते रहते हो और कंट्रोल नहीं होता है, तो आप जो एजोक्सोस्ट्रोबिन के कॉम्बिनेशन में जो प्रोडक्ट आते हैं, जैसे एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल आता है, या एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल आता है, इन दोनों में से कोई एक फंगिसाइड लेके स्प्रे कर सकते हो। पर मैं समझता हूँ कि इसमें टाइमली स्प्रे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे टाइमली स्प्रे आप सल्फ़र का कर दें या सल्फ़र की डस्टिंग कर दो, तो भी ये कंट्रोल हो जाता है। बहुत लेट स्टेज में चले जाते हो, तो यदि कंट्रोल भी हो जाएगा तो काफ़ी हमारे इकोनॉमिक लॉस तो हो ही जाता है, क्योंकि जब आपकी पत्तियों पे सफ़ेद सफ़ेद पाउडर छा जाता है, तो पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, और वो अपना भोजन नहीं बना पाता है, उससे आपका प्रोडक्शन और क्वालिटी भी दोनों ही आपकी प्रभावित होती है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं खेती से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।